वेलकम करते हैं आप क्वेश्चन का फन यूट्यूब चैनल पे में। आज हम यहाँ आए हैं फिशिंग पकड़ने के लिए, तो ट्राई करते हैं, आज देखते हैं कि हम लकी हैं आज या नहीं। तो आज हम आए हैं रावस्ता मच्छी पकड़ने के लिए, देखते हैं आज हमारा लकी डे है या नहीं। अभी नई नई फिशिंग शुरू की है तो देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी बिगिनिंग है तो आज आई थिंक थर्ड डे है हमारा फिशिंग का, और देखते हैं क्या कोई मछली पकड़ते हैं आज या नहीं। मेरे साथ में एक दो और लोग भी हैं यहाँ, वो आई थिंक दूसरी तरफ है। बहुत धूप है यहाँ पर इसलिए। इसे कहते हैं शेरलन आइलैंड, यहाँ पर आप आ सकते हैं रेविस्ता में मछली पकड़ने के लिए। ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ कौन सी मछली अब लगेगी आज। अकेले यहाँ पर आदमी बोर हो जाते हैं, अभी एक दो दोस्तों को फ़ोन किया है, हो सकते हैं वो आए यहाँ पर मेरे साथ। अभी छुट्टी हो जाएगी उनकी भी, तो अभी बहुत गर्मी है यहाँ पे, पानी तो है साथ में लेकिन कभी हवा चलती है कभी नहीं चलती, तो थोड़ी सी वाइब्रेशन महसूस हो रही है लगता है। लगता है कुछ छोटी सी मछली लग गई है, क्योंकि अभी ये हमारी जो फिश पकड़ने की तार है अभी थोड़ी टाइट हो गई है। अभी हम इसको खींचेंगे, देखते हैं कि क्या लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप छोटी मछली नहीं पकड़ सकते, लाजमी आपको चाहिए 18 इंच से ऊपर या 18 इंच की, इससे ऊपर की मछली आप पकड़ सकते हैं, इससे छोटी नहीं। इसलिए अगर आप छोटी मछली पकड़ेंगे तो उसको आपको दोबारा पानी में फेंकना पड़ेगा। ये यहाँ का ला है, तो देखते हैं। अभी तो हम आए हैं तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया, और कोशिश करते हैं कि अगर इंशाल्लाह बड़ी वाली मछली हाथ लग जाए तो आप भी हमारे साथ एंजॉय करें फ़िशिंग। आप जब भी आए, ये है रावस्ता, इसको शेरलन आइलैंड बोलते हैं, आप यहाँ पर आए और फ़िशिंग का मज़ा लें। आज हमारी छुट्टी थी तो हम सोचे चलो थोड़ा फ़िशिंग के लिए जाएँ, बहुत ही क्वाइट जगह है यहाँ पर। बहुत ही खामोशी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। उस पार दो तीन आदमी बैठे हुए हैं, वो फिशिंग कर रहे हैं, अब तो अपना स्पॉट है। तो कोशिश करें कि जब भी आप यहाँ पर आए तो अपने लिए सेपरेट जगह देखें फिशिंग के लिए। आपको इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में हम आपको और भी वीडियोस दिखाएंगे फ़िशिंग की, क्योंकि ये हमारा भी सब्जेक्ट है। यहाँ पर हम हर वीकेंड आएंगे, जब भी हमारे पास टाइम होगा हम यहाँ फ़िशिंग के लिए आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि हम कौन कौन सी मछली पकड़ रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप शिनका फन यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएँ, उस वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको और मज़ीद वीडियोज़ दिखा सकें हर किस्म की मछली पकड़ने की। तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करना मत भूलें इंशाल्लाह। तो साथ साथ हम आपको मज़ीद वीडियोस दिखाएंगे यहाँ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सबसे पहले वीडियो आपको दिखाई देगी अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर।
आपको मेरी यह हैट थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन जब भी आप फिशिंग के लिए आएँ तो यह हैट लाजमी लेके आएँ, क्योंकि आपको धूप से बचाएगी ये। और आइए हम अपनी फिशिंग का सामान दिखाएं। बस ये छोटा सा स्प्रिंग अपने साथ लेके आएँ, तो ये ज़मीन में गाड़ के आप बस बैठ जाएं एक साइड के ऊपर। यह है जी हमारे फिशिंग का सामान। यहाँ पर फिशिंग के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, लाइसेंस के बगैर आप फिशिंग नहीं कर सकते। ये मेरा दूसरा रॉड पड़ा हुआ है, अभी एक दोस्त आ रहा है तो वो मेरे साथ हेल्प करेगा। पानी साथ में लाजमी लेके आया करें यहाँ पर, क्योंकि बहुत धूप है, पानी की आपको शदीद ज़रूरत पड़ेगी। ये पानी आप रिवर का नहीं पी सकते, क्योंकि ये गंदा पानी है, पीने के काबिल नहीं। ये मैंने राड लगाया हुआ है और कुंडी फेंकी हुई है पानी में, देखते हैं कि क्या होता है। ये थोड़ा चिप्स और मैंगो जूस लेके आया साथ में मैं, क्योंकि बहुत प्यास लगती है यहाँ पर। ये यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं फिशिंग के लिए, अभी तक तो कोई नज़र नहीं आया, किसी ने अभी तक मछली नहीं पकड़ी हुई है। मेरा भी तकरीबन आधा घंटा हो गया, 45 मिनट्स, तो देखेंगे, ट्राई कर रहे हैं। लेकिन फ़िशिंग करने का अपना एक मज़ा है, जब भी आप फ्री हों आप आएँ फिशिंग के लिए। ऑलमोस्ट सूरज ढलने वाला है अभी। जब आपके पास ये स्प्रिंग सा होगा तो आप राड को उसमें फंसा के आप घूमें फिरें आराम से। मैं साथ में कुर्सी भी लेके आया हूँ ताकि आराम से यहाँ पर बैठ सकूँ। पत्थरों के ऊपर भी आप बैठ सकते हैं, लेकिन मैं तो चेयर लेके आया हूँ ताकि कंफर्टेबल हो यहाँ पर। थोड़ी सी धूप ज़्यादा है आज, गर्मी भी फील हो रही है, हवा इतनी तेज़ नहीं चल रही। तो यह था छोटा सा हमारा वीडियो, हम आपको इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस दिखाएंगे फ़िशिंग की। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हम आपको मज़ीद वीडियोस दिखाएंगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह फ़िशिंग की, जब भी हमारे पास टाइम होगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।